मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। के जो रिस्क हमने दिया उसमें से खर्च भी करते हैं, कि बहुत से ऐसे दीनदार होते हैं जो पैसा नहीं खर्च करते, दौलत से मोहब्बत इतनी होती है उनको, वो दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझते। इबादत तो हर मजहब में हो जाती है, खर्च करना अल्लाह के लिए बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि माली इबादतें भी करते हैं और जिस्मानी इबादतें भी, जिस्मानी में तहज्जुद और माली इबादतों में ज़कात और सदक़ात और खैरात, कि हमारे जो हमने रिज़्क दिया उसमें से खर्च भी करते हैं। तो पहले का अल्लाह ने क्या बयान किया था कि जहन्नम की आग में जलेंगे और अल्लाह उनसे कहेगा चखो इस हमेशगी के अज़ाब को। दूसरे की को क्या नेमत मिलेगी, वला तअलमु नफ्सुन, अल्लाह कहते हैं किसी नफ्स को ख़बर नहीं है, मा उख्फी लहुम मिन कुर्रति आयुन, जो कुछ इनके लिए छुपा दिया है हमने आँखों की ठंडक का सामान। असलाफ के बड़े वाकयात हैं, जब वो आयत पढ़ते थे बहुत रोते थे कि क्या अल्लाह का अंदाज़ है, और ये आयत उनको तहज्जुद में जगाती थी कि अल्लाह ने यहाँ जन्नत की नेमतें बयान नहीं की हैं कि ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। अल्लाह फरमाते किसी को नहीं पता मैंने अपने बंदों के लिए क्या आँखों की ठंडक का सामान छुपा दिया है, ना छुपाता तो सारी दुनिया तहज्जुद ही पढ़ रही होती, सारी दुनिया रातों को उठ के अल्लाह से पनाहे मांग रही होती जहन्नम से और जन्नत की उम्मीद में पुकार रही होती अल्लाह को। लेकिन ये मेरे नेक बंदे हैं जिनको दुनिया बेवकूफ़ समझती है, क्यों? इसलिए बेवकूफ़ समझ रही है कि जो इनको मिलने वाला है वो छुपा हुआ है, और वो ऐसा मिलेगा कि आंखें पहले ठंडी हो जाएंगी उसको देखकर। ये बहुत ही एक अल्लाह ने जन्नत की नेमत को बहुत आला अंदाज में अल्लाह ने बयान किया, फरमाया फला तअलमु नफ्सुन, किसी नफ्स को खबर नहीं है भाई, मा उख्फी लहुम मिन कुर्रति आयुन, जो मैंने इनके लिए छुपा के रखा हुआ है आंखों की ठंडक का सामान, जज़ा बिमा कानु यअमलून, जो ये अमल दुनिया में करते थे ये उसका बदला है, जो पैसा खर्च किया करते थे और अल्लाह के सामने रोया करते थे और दुआएं मांगा करते थे। आगे अल्लाह एक अकली दलील दे रहे हैं, क्योंकि जो मुल्हिद और एथियस और काफिर लोग हैं ना, वो ये बातें सुन के मजाक करते हैं कि यार ये क्या सियासी बातें, लोगों को मोटिवेट करने के लिए जन्नत और जहन्नम की बातें की जा रही हैं, कोई जन्नत नहीं है कोई जहन्नम नहीं है, सियासी बातें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस एक मज़हब लाए उस पर लोगों को चलाना मकसद है। तो कुरान कह रहा है कि अफ़मन काना मुमिनन कमन काना फासिका, अगर जन्नत जहन्नम नहीं है और मर के मिट्टी होकर ख़त्म होना है, इसका मतलब मोमिन जो अल्लाह पे ईमान ला रहा है और नेक अमल कर रहा है, और एक फासिक जो बुरा आदमी है, दोनों का अंजाम सेम हो जाएगा। फिर तो दुनिया की कोई हुकूमत ऐसा नहीं करती कि जो हुकूमत के कवानीन की पाबंदी करे और जो नाफरमानी करे दोनों के साथ सेम सलूक हो, दुनिया में ऐसा नहीं किया जाता, तो अल्लाह ऐसा क्यों करेगा? तो दुनिया में तो पूरी सज़ा भी नहीं मिलती, पूरी जज़ा भी नहीं मिलती, बाज़ दफ़ा जो मुजरिम होता है वो बच जाता है, जो बचने जिसको बचना चाहिए वो पकड़ा जाता है, दुनिया में थोड़ी इंसाफ मिलता है। तो अल्लाह कहते हैं भला खुद सोचो, अगर ये जन्नत जहन्नम जो मैं बयान कर रहा हूँ गलत है ये, तो अफ़मन काना मुमिनन कमन काना फासिका, तो जो मोमिन है और जो फासिक है क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? ला यस्तवून, खुद अल्लाह ने जवाब दिया बराबर नहीं हो सकते, दोनों का अंजाम सेम नहीं हो सकता, बहुत फ़र्क होगा दोनों के अंजाम में। इस दुनिया में 100-100 इंसानों के कत्ल करने वाले भी हैं और 100-100 इंसानों की जानें बचाने वाले भी हैं, तो ये कैसे होगा कि दोनों का अंजाम सेम हो जाए? इसलिए आगे अल्लाह ने खुद फरमाया नहीं बराबर नहीं हो सकते। अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, बहरहाल वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए ये मोमिन लोग हैं, फलहुम जन्नतुल मावा, उनका जन्नत ठिकाना है, तो ठिकाने की जन्नत मिलेगी उनको, वो यानी वो जन्नत मिलेगी जिसमें उनको उनका ठिकाना होगा, यानी हमेशा रहने की जगह होगी। नुज़ुलम बिमा कानु यअमलून, जो अमल उन्होंने किया उसकी मेहमान नवाजी के तौर पर। वह अम्मल्लज़ीना फसकू, और जो फासिक हुए यानी गुनहगार हुए अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाले हुए, फमअवाहुमुन नार, उनका ठिकाना आग है, कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा, जब भी वो इरादा करेंगे उस आग से निकलें, उईदू फीहा, उसी में लौटा दिए जाएंगे, यानी लौटा दिए जाएंगे का मतलब ये नहीं कि आग से निकल जाएंगे फिर लौटा दिया जाएगा, यानी निकलने का जब इरादा करेंगे तो वापस उसी जहन्नम में उनको गौता लगवाया जाएगा फरिश्तों की तरफ से, ताकि वो निकलने से मायूस हो जाएं। वकील लहुम, और उनसे कहा जाएगा, ज़ूक़ू अज़ाब अन्नार, चखो इस आग के अज़ाब को, अल्लज़ी, ये वो अज़ाब है, कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसका तुम इनकार किया करते थे, तुम कहते थे कोई जन्नत नहीं कोई जहन्नम नहीं, तुमने इनकार किया तो अब चखो इसको, अब कहाँ भाग के जा रहे हो इससे। आगे अल्लाह फरमाते हैं तो आखिरत का अज़ाब है, मैं इन नाफरमानों को दुनिया में भी चखाता रहूँगा कुछ ना कुछ अज़ाब, ताकि इनको थोड़ी अकल आ जाए और ये अल्लाह की तरफ लौट जाए। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, मैं ज़रूर भी ज़रूर इनको चखाऊँगा उस दुनिया का अज़ाब, दूनल अज़ाबिल अकबरी, उस बड़े अज़ाब से पहले, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लौट आए।
हर काफिर हर नाफरमान को दुनिया में भी कुछ ना कुछ तकलीफें आती रहती हैं, जिससे उसको यकीन हो जाता है ये दुनिया रहने की जगह या दिल लगाने की जगह नहीं है, यहाँ पूरी तमन्नाएं किसी की भी पूरी नहीं होती। तभी अकलमंद काफिर भी दुनिया से दिल नहीं लगाएगा, बहुत ज़्यादा इतराएगा नहीं यहाँ पे। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि हम कुछ ना कुछ तकलीफें और आती रहती हैं इज्तिमाही सतह पर भी। अभी कोविड आ गया था, दुनिया ने तबाह कर दिया कोविड को, दुनिया को तबाह कर दिया कोविड ने। और हादसे होते रहते हैं, कुदरती हादसे, इंसानों की खताओं से होने वाले हादसे, ये सब चल ही रहे हैं, हमेशा से चलते रहेंगे। ये फरमाया वमन अज़ल्लु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही। अब एक इश्काल होता है कि अल्लाह तो क्यों बंदों को अजाब दर अजाब दे रहा है, आखिरत में भी दुनिया में भी, और आखिरत का तो इतना सख्त अजाब रखा। अल्लाह कहते हैं देखो, जालिम को अजाब दिया जाता है और बड़े जालिम को बड़ा अजाब दिया जाता है, तो ये सबसे बड़े जालिम है, इसलिए सबसे बड़ा अजाब जो आग का है वो इनको दूंगा मैं। कैसे सबसे बड़े जालिम है? अल्लाह कहते हैं बताओ खुद, वमन अज़लम, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसको भी आयात ज़ुक्किरा भी आयाति रब्बी, अपने रब की आयात के जरिए नसीहत की जाए। यानी नसीहत के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं। एक नसीहत ये कि आपका भाई आपको नसीहत कर रहा है या दोस्त नसीहत कर रहा है, आप इग्नोर कर देते हैं। बाप जब नसीहत कर रहा हो आप इग्नोर करें, बाप को ज़्यादा गुस्सा आता है, हालांकि नसीहत सेम है लेकिन नसीहत करने वाले का मकाम बड़ा है। आपका बॉस नसीहत कर रहा है, आप उसको भी सीरियस लेते हैं। तो नसीहत करने वाले का मकाम क्या है और उसका ऑर्डर ये है किसका? ऑर्डर देने वाले के मकाम से उस ऑर्डर की वैल्यू बढ़ती है। तो अल्लाह फरमाते हैं उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो रब की आयात उसको सुनाई जा रही हो और वो वहां दिलचस्पी न ले, वो उसे हरास कर रहा हो। वो रब जिसने कायनात बनाई, जिसने तुझे पैदा किया, मिट्टी से बनाया, माँ के पेट बना के छातियों में दूध पैदा किया और तेरे लिए इतना कुछ इंतजाम किया, अब उसकी भी तो कुछ सुन लेना। तू खाए जा रहा है, लुत्फ उठाए जा रहा है नेमतों से, जब वो कुछ कह रहा है तो तू सुन ही नहीं रहा। तो अल्लाह कहते हैं इससे बड़ा जालिम कौन होगा? लिहाजा ये सबसे बड़ा जालिम है, इसकी सजा भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो तुम कह रहे हो ना कि आग बड़ी सजा है, तुम इसलिए कि तुम इसको बड़ा जालिम नहीं मान रहे हो, इसलिए कह रहे हो। तो उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसको नसीहत की जाए अपने रब की आयात के साथ, फिर वो उन आयात से एराज करना शुरू कर दे। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, अल्लाह फरमाते हम मुजरिमीन से इंतकाम लेने वाले, यानी इतने बड़े बड़े जालिमों को हम छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से महफूज रखे और हमें नमाज, तहज्जुद, सदकात और खैरात का अल्लाह पाबंद बनाए, ताकि हम भी उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएं जिनके बारे में कुरान ने कहा, तताजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजी, ये वो लोग हैं कि फला तअलम नफ्सुम मा अख्फी लहुम मिन कुर्रति आयुन, किसी नफ्स को खबर नहीं कि हमने इनकी आंखों की ठंडक का कैसा सामान छुपा के रखा हुआ है।